तेरे जैसी ढूंढू मैं मिलती नहीं है, गाड़ी वक्त के बिना हिलती नहीं है, ये सारी लुटाती है मुझ पे खुद को, बस तेरे आगे मेरी चलती नहीं है। तो क्या बोलती है एफटीसी चैनल देखने वाली पब्लिक, चलते हैं फटाफट पोर्टर के एप्लीकेशन को करते हैं ऑनलाइन और देखते हैं आज कौन सी लोकेशन पे विजिट करने वाले हैं हम लोग आज और कितना कमाने वाले। जहाँ पे भी जाऊँगा, जो भी ऑर्डर उठाऊँगा, आप सबको बता दूंगा। स्टार्टिंग से एंड तक देखना, जो भी रहेगा कमेंट कर देना, अगर अच्छा लगेगा वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फटाफट चलते हैं पोर्टर के एप्लीकेशन को करते हैं ऑनलाइन, देखते हैं हम लोग को पहला ऑर्डर कहाँ कहाँ मिलता है। सो गाइस, अभी मैं जस्ट पोर्टर के एप्लीकेशन को कर दिया हूँ ऑनलाइन। टाइम हो रहा है 12:29 हो रहा है। फटाफट जो भी ऑर्डर आएगा मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस, जस्ट मुझे एक ऑर्डर आ गया है जो कि पिकअप है हमारा नियर बाय, और इसका ड्रॉप जो है दहीसर है। फटाफट चलते और देखते पिकअप में क्या है। सो फटाफट चलते हैं, पिकअप करते हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा पिकअप, वहाँ जाने के बाद में जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। A few inches later. So guys, पिकअप लोकेशन पे मैं आ गया हूँ। तो एक बार कस्टमर से हेलो, हाँ मोटर से बात कर रहा था, आपका पिकअप है ना दही सर का। मैं आपके लोकेशन पे खड़ा था, मैं सेंट ज्योति मेटल प्रोसेस लिखा है, उसके सामने एक मोबाइल का दुकान है, मोबाइल का रजा मोबाइल। नहीं नहीं, वो हाँ MIDC पुलिस चौकी अलग है, आपका पिकअप लोकेशन अलग है सर। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। खैरानी रोड में पिकअप लोकेशन है आपका, खैरानी रोड का पिकअप लोकेशन है। हाँ देखो ना, खान मेडिकल लेन, एल्विन नगर, यादव नगर, चांदी वाली पवल। MIDC से आपको कहाँ जाना है? तो अभी आप क्या करवा रहे हो, फिर कैंसिल कर रहे हो? हाँ, ठीक है, आप बात कर लीजिए। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। कस्टमर ने रॉन्ग पिकअप कर दिया है, जैसे कि इसको पिकअप करना है MIDC पुलिस चौकी में, और गलती से इसने खैरानी रोड का पिकअप लोकेशन डाल दिया है। तो अभी वो सपोर्ट में कॉल करके चेंज करने का ट्राई कर रहा है, देखते जो भी रहेगा मैं आपको बताता हूँ। मुझे तो लगता है कैंसिल करेगा ही, देखते जो भी रहेगा। तो गाइस, मैंने आपको बताया था ना कि वो ऑर्डर आई थिंक कैंसिल कर सकता है कस्टमर, तो कस्टमर ने कैंसिल कर दिया वो ऑर्डर। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पता था यही करने वाला है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं गाइस। मुझे उसके बाद में एक आध दो और ऑर्डर भी आया था, बट वो मैंने रिसीव नहीं कर पाया। मेरे रिसीव करने से पहले किसी और ने उठा लिया, तो उसकी नसीब में था वो ऑर्डर। तो मुझे अभी जस्ट एक छोटा सा ऑर्डर आया है, तो फटाफट चलते हैं। पिकअप लोकेशन मेरे नियर बाय खैरानी है, और ड्रॉप जो है सफ़ेद फूल है, साकी नाका साइड में ही है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। फटाफट ये ऑर्डर को हम लोग करेंगे कंप्लीट, और उसके बाद में करेंगे वेट नेक्स्ट ट्रिप का, जो भी रहेगा मैं आपको बता दूँ। तो गाइस, 5 मिनट की दूरी पे है ये पिकअप, और 600 मीटर का रास्ता है। फटाफट चलते हैं और देखते हैं पिकअप में क्या है, जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस, अभी मैं हूँ विक्रोली में, जो कि मेरा ऑर्डर था साकी नाका से पिकअप था, और मैंने वहाँ से पिकअप कर लिया। वहाँ पर वो एक लिफाफा था जो कि मुझे विक्रोली देना था गोदरेज में, तो मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ, डिलीवर कर दिया हूँ, कंप्लीट कर दिया हूँ मेरा ऑर्डर, इसका पैसा मुझे मिल गया है। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट ऑर्डर का, जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा, वेट कर दे थोड़ा देर। A few moments later. सेकेंड ऑर्डर के लिए मैं अपने पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ, जैसे कि विक्रोली में है अपना पिकअप, और ड्रॉप जो है सांता क्रूज करना है। तो पिकअप लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, कस्टमर आ रहा है, 5 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद में सामान लेके निकलेंगे। गाइस, जस्ट मैंने पिकअप उठा लिया हूँ, कुछ बॉक्स है, इसको लेके जाना है हमें सांता क्रूज, और इसका जो है ड्रॉप लोकेशन है 9.9 मीटर का रास्ता है, 21 मिनट का है। गाइस, फटाफट चलते हैं और करेंगे ट्रिप को ड्रॉप, और वेट करेंगे कोई एक आध ट्रिप और मारने का, जो भी रहेगा मैं आपको बता दूँ। मैं पोर्टर से बात कर रहा था, आपका पार्सल लेके आया था मैं, तो किधर पे आना है? कलीना में ही खड़ा हूँ मैं।
ये डिजर्व करके कोई बिल्डिंग भी है। मेन सिग्नल के वही खड़ा हूँ। ये अपना बोटेक का, बोटेक बैंक का बिल्डिंग तो नहीं, यहाँ पे कुछ एटीएम लिखा है, भारत भारत बैंक का एटीएम है। हाँ सिग्नल के आगे थोड़ा और आगे आप, ठीक है मैं वहाँ जाता हूँ कोटेक वाली बिल्डिंग के, वहाँ जाके कॉल करता हूँ। कस्टमर से मेरी बात हो गई, आगे साइड में कस्टमर से मेरी बात हो गई है, आगे लेफ्ट साइड में शायद ड्रॉप लोकेशन है, वहाँ चलते और देखते कहाँ जाना है, जो भी रहेगा मैं आपको बता दूँगा। सो मैंने अपना पार्सल जो है दे दिया हूँ इधर पे, एक बार कस्टमर से कॉल करके पेमेंट ले लेते और फिर निकलेंगे अपने दूसरे कुछ मिशन पर। हेलो, हाँ हाँ मैंने डिलीवर कर दिया हो वो बिल्डिंग के, वहाँ कोटक महिंद्रा बैंक है ना, वो गार्ड को जमा कर दिया हो और जिसका नंबर आपने दिया था उनसे भी बात करवा दिया हो, तो पेमेंट कर दो ना आप। ओके ओके, सो गाइस कस्टमर जो है अभी पेमेंट कर रहा है, तो जैसे ही पेमेंट करेगा हम लोग इस ट्रिप को कर देंगे एंड और फिर देखते हैं कुछ जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस जस्ट मुझे एक ऑर्डर आ गया है जो कि सांता क्रूज से पिकअप है इसका, बट ये ऑर्डर किसी और ने उठा लिया है। कोई बात नहीं गाइस, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कंपनी वाला क्या करता है ना, कुछ होता है उनका जो कंपनी वाला क्या करता है, कभी कभी पार्शलिटी करता है, जैसे कि उनके जो किट लिए हुए बंदे रहते हैं, जैसे कि बैग लिया है जिसने, टी शर्ट लिया है और हेलमेट लिया है उनसे ख़रीदा हुआ है, तो उनको ज़्यादा कंपनी प्रीफर करती है ऑर्डर हमारे से ज़्यादा, मतलब हमको जो ऑर्डर गिरेगा हम उसको क्लिक करेंगे, उससे पहले अगर समझ लो वो लेट भी क्लिक करेगा तो वो कंपनी हमारा ऑर्डर उसको दे देगी। होता है कभी कभी ऐसा, हम लोग को इसमें इतना दिल पे लेने वाली बात नहीं है, अभी हम लोग को भी आदत हो गई है। कोई बात नहीं गाइस, वेट करते हैं नेक्स्ट ट्रिप का, जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस अभी हम लोग आ गए अपने घर पे, जितना ऑर्डर मारना था हम लोग को मार लिए और जहाँ जहाँ जाना था चले गए और जितना कमाना था हम लोग को कमा के आ गए। तो वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, अंगार आफत आतंक मौत जहर जख्म जो भी लगे मेरा भाई, लाइक शेयर कमेंट करके बता देना और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन रहेगा उसको भी दबा देना। फिर मिलेंगे ऐसी किसी बहुत डांसू वीडियो के साथ में, जब तक के लिए देखते रहिए FTC चैनल और हाँ दुआ में याद रखना और मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना एंड ऑलवेज स्टे एक नंबर।